अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग? होप करते हैं गाइस कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं गाइस। और अभी हो चुकी है शाम और अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। यस, अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और आज सैटरडे भी है तो कुछ मार्केट भी होकर आएगी। तो एक्चुअली कल है शबे बारात, तो उसकी काफी ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, तो बहुत सारी चीजें बनती है। यस गाइस, जिन लोगों को पता होगा चने का हलवा बनता है, रवे का हलवा बनता है। यस गाइस, स्पेशली इसी रात में ही बनता है। तो हमारे घर से गए हैं भाभी शॉपिंग करने के लिए, ये सब चीज के लिए भी। तो आज बहुत सारी ग्रोसरीज आने वाली है, तो जो भी आएंगे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। यस गाइस, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में कुछ बनाने के लिए। तो आज सैटरडे तो कुछ ना कुछ चिकन वगैरह या फिश वगैरह तो आएगी, तो देखते हैं कि क्या बनाना है। और आप लोग मेरा ड्रेस देख रहे होंगे कि मैंने ड्रेस कौन से कलर का पहना, दुपट्टा कौन से कलर का पहना। यस, काफी ज्यादा डिफरेंट है, बट मुझे कॉटन के दुपट्टे में ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे लिए मैटर नहीं करता कि ड्रेस कौन से कलर का है और दुपट्टा कौन से कलर का है। तो मेरे को जो अच्छा लगता है मैं पहन लेती हूँ। मुझे कॉटन के दुपट्टे में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। फिलहाल इधर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं किचन में और चल के बनाते हैं खाना। तो यस गाइस, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि यस, मेरे व्लॉग जो है डिले पे डिले होते जा रहे हैं गाइस, बट ये अभी कुछ टाइम ऐसा ही हो रहा है। तो मैं कोशिश तो करूंगी कि इंशाल्लाह मेरे डेली व्लॉग्स आए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। तो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने भी आटा भी गून लिया है और चावल भी मेरा रेडी हो चुका है। देखो गाइस, जलेबी आई है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, कल के लिए जो ग्रोसरीज आई है, जैसे रवा आया है, चना आया है, ये तो कल के लिए आया। बाकी कुछ घर का भी सामान है लेकिन ज्यादातर जो है वो कल शबे बारात के लिए आया है। तो हम लोग रवे का भी हलवा बनाएंगे और चने का भी हलवा बनाएंगे। The next day. तो यस गाइस, आज है शबे बारात और यहाँ पे देखो रवा भुनना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे चने की दाल भी रेडी हो चुकी है और अभी से पीसना है बस। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पीसना। और यहाँ पे ये दाल अच्छे से ठंडी नहीं हुई थी तो इसलिए अच्छे से पीस नहीं रहा था, तो इसे अच्छे से मैंने फैला दिया है ताकि जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए, फिर अच्छे से पीसे। तो थोड़ी देर बाद अच्छे से पीसने लग गई थी, जब दाल ठंडी हो गई तो एकदम ड्राई ड्राई अच्छा लग रहा था। ये देखो एकदम ड्राई हो गया है, तो यहाँ पे फटाफट पीस भी लिए तो जल्दी जल्दी हो जा रहा था। और यहाँ पे चने की दाल का हलवा बहुत ज़्यादा था तो इसलिए हम लोगों ने दो कढ़ाई रखी है। ये देखो हम लोग एक साथ भून रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि इसमें ना भूनने में समय बहुत ज़्यादा जाता है इसको भूनने के लिए। तो हम लोग दोनों जगह कढ़ाई रखे थे और कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में कर करके फटाफट जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था गाइज। हम लोग ने 10 बजे स्टार्ट किए थे, 2:30 बजे सब कुछ ख़त्म हुआ था 3 बजे। एंड गाइस, जो रवे वाला हलवा होता है ना वो बहुत जल्दी बन के रेडी होता है, बट जो चने वाला हलवा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसको पहले गलाना होता है दूध में, फिर उसको पीसना होता है, फिर उसको भूनना होता है, फिर चाशनी में डाल के उसको फिर अच्छे से सेटअप करना पड़ता है। तो चने वाले में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और ये मतलब शबे बारात है तो कुछ ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि ये बनाया ही जाए। जिसके यहाँ पे बनता है इसलिए बनता है क्योंकि कुछ त्यौहार होता है तो उसकी स्पेशलिटी होती है ये, तो पता चलता है कि हाँ आज कोई त्यौहार है तो बस इसीलिए बनाया जाता है। तो ये हमेशा से हम लोग घर पे बनता है, तो अभी भी समझो बन ही रहा है। मुंबई में मेरी मम्मी बनाते थे, अब नहीं बनाते। और ये भी थर्ड टाइम है जो अभी भून रहे, अभी भी इतना बाकी है। ये देखो मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम जाता है उसको भूनने के लिए, उसका कलर एकदम अच्छे से चेंज होना दिखना चाहिए। गाइस, जीशान की गर्दन ना टेढ़ी हो गई है, ये देखो घूम गई है, मतलब आगे से पीछे आ गई, इसकी छाती उधर घूम गई। और गाइज, यहाँ पे हलवा बन चुका, मैंने किचन एकदम अच्छे से साफ कर लिया। ये देखो सारा हलवा हम लोग ने ढक के रख दिया, देख सकते हैं आप लोग प्लेट के हिसाब से कितना सारा हलवा बना। ये रवे का हलवा है और यहाँ पे 4 जो प्लेट थी ना वो सिर्फ चने का हलवा बना था, और एक का कलर डार्क हो गया, एक का कलर लाइट हो गया, बट कोई नहीं, टेस्ट सेम है दोनों का भी, बहुत अच्छा है। गाइज, अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। यस, किचन का सारा काम हो चुका है और
सिर्फ शाम का खाना बनाना है और हलवा तो समझो पूरा प्रॉपर रेडी हो चुका है और बस, और फटाफट सारा बर्तन वर्तन धो के मैं भी आई और आकर अच्छे से मैं भी थोड़ा रेडी हो गई, क्योंकि स्पेशली मैंने ये ड्रेस मंगाया था आज के दिन पहनने के लिए, तो ये आ गया था। बस मैंने खास करके ना इस दिन के लिए नहीं मंगाया था बट आ गया, तो कोई नहीं, तो मैंने सोचा आज वेयर कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मटेरियल भी बहुत अच्छा आया था गाइज। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कैसा लग रहा है मेरा ये ड्रेस। एंड गाइज, आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, और जो मेरा आउटफिट है ना, मैं अच्छा सा अपना जो आउटफिट, अभी मैंने फोटोज क्लिक करवाए कुछ, तो जो मेरा फुल आउटफिट है ना वहाँ पे आएगा, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और गाइज, यहाँ पे फातिया हो चुकी है और अभी इसको हम लोग की पतीली में करके रख देंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा से फैला हुआ है सब। गाइज, मगरिब की अजान हो चुकी है। जीशान खोल दे। तो अभी मगरिब की अजान हो चुकी है और चलते हैं, 6 रकात नमाज जो पढ़ी जाती है मगरिब की नमाज के बाद, तो उसको चल के पहले पढ़ लेते हैं। और मैंने रूम की लाइट थोड़ी डिम रखी है क्योंकि मुझे डिम लाइट में नमाज पढ़ने बहुत अच्छा लगता है, तो पहले मगरिब की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद में वो जो 6 रकात नमाज जो होती है वो पढ़ते हैं। 6 रकात नमाज नफिल थी वो मैंने अदा कर ली है, यस, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी पढ़ लिए होंगे। और बस इस रात में अल्लाह ताला से बहुत रो रो के दुआ करिए। रोना मुझे इसलिए आ रहा है गाइस, क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत दुआएं मांगी थी अपने बेबी को लेके। एक्चुअली सब कुछ सेम वही चीज हो रही, तो रिपीट हो रहा है मुझे। एक्चुअली पिछले शबे बरात में मैंने बहुत दुआ करी थी अपनी बेबी के लिए कि इंशाल्लाह अगली बार साथ में होगा अगले शबे बरात में, यस, तो मुझे वही याद आया तो मुझे रोना आ गया। कुछ ऐसा खास मौका होता है जिसपे मैं अगली बार के लिए जो अच्छा सोची थी वो पूरा नहीं हुआ, तो जैसे कि मैंने पिछले शबे बरात का बता रही हूँ कि मैंने बहुत दुआ की थी, तो ये शबे बरात में मुझे, मैं नमाज पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रही थी, तो इसलिए मुझे रोना आ गया। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे।